तहरीके लबैक पाकिस्तान को इस्टाल दिलवाने के लिए यूट्यूबर्स ने एक फिर से एक एजेंडा जो है वो शुरू कर दिया है, और ये यूट्यूबर्स हैं वो ख़ास तौर पर तहरीके इंसाफ के प्लेटफार्म को बड़ा इस्तेमाल करते रहे हैं और वहाँ से बड़े व्यूवर जो हैं उनको फॉलो करते हैं। तहरीके लबैक पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम जो हैं वो भी लगाए जा रहे हैं, उनको इस्तेमाल दिलाने की ये बात करके कोशिश की जा रही है कि अलामा खादम हुसैन रिजवी को उनकी तबी मौत जो है वो नहीं हुई थी बल्कि उनको मारा गया था। तो तहरीके लबैक तहरीके इंसाफ को कवर करने वाले और तहरीके लबैक का भी उनकी जमात को भी बतौर बीट कवर करने वाले सहाफ़ी मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, क्या कहते हैं कि क्या तहरीके लबैक पाकिस्तान उसी तरह ही तहरीके इंसाफ की तरह ही चाहते हैं कि वो भी उसी तरह ही एक तोड़फोड़ जो है वो शुरू कर दे? आपको क्या नज़र आ रहा है? मसला यही है, चूँकि इनका अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट भी होता है, अपना एजेंडा भी होता है। जब ये प्रो डॉलर यूट्यूबर माफिया जो है ये देखते हैं कि हमारी रेटिंग कम हो रही है, तो फिर ये सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट करते हैं कि किन की ऑडियंस सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, कौन से इशू को हम फैब्रिकेट करके जनरेट करेंगे। तो हमारी 9 मई के वाक़े के बाद इनकी जो व्यूवरशिप है वो कम हो गई थी, वो प्राप्त करना ना, अब लोग इनकी बातों पर यकीन करना कम हो गए थे। अच्छा। ये फिर ये इनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि इन्होंने कोई ना कोई आपस में, अब आप ये देखें, शहबाज़ गिल साहब अमेरिका गए, शहबाज़ गिल साहब तो उन्हें YouTube से उन्हें पैसे चाहिए थे या सोशल मीडिया से पैसे कमाने थे? वो तो कहते हैं तो मैं बड़े पैसे कमाता हूँ, पैसे मैं आपको वजह बताता हूँ। इन्होंने पहले चुंजे लगाई जो हैं आदिल राजा से, जो इनके गुरु हैं चुंजे, फिर मोहित पीरजादा, वो भी अमेरिका में बैठे हैं। ये एक दूसरे से पहले चुंजे लगाते हैं किसी इशू पर कि जो ऑडियंस है वो हमें भी सुने, उन्हें भी सुने, और फिर आगे हमारे डॉलर जनरेट होते रहे और फिर इनकी सुलह सफाई भी हो जाती है। अब इस्लामाबाद से एक मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो तबीयतन बहुत हम्बल हैं, हम्बल मिजाज हैं, वो भी यही करते हैं। अरशद शरीफ से भी उनका फड्डा हुआ था। अच्छा मियां साहब, एक चीज़, तहरीके लबैक पाकिस्तान रिसेंटली उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर मार्च भी किया है, आपने भी उसको बड़े करीब से देखा, तो क्या नज़र आया कि वो तहरीके लबैक पाकिस्तान जिसकी बाबत जिसके बारे ये कहा जाता है कि ये तोड़फोड़ करने वाली जमात है, आपको नज़र आया इसमें कोई, या पहले एक कराची से लेके इस्लामाबाद तक ये नहीं? अब तो पॉलिसी काफ़ी हद तक तब्दील हो गई है, बल्कि हो चुकी है। तो जो इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कराने के लिए एहतजाज किया, फिर मार्च किया कराची से जो शुरू हुए, तो वहाँ भी कोई तोड़ फोड़ नहीं थी। हाँ, रास्ते में थोड़ी बहुत रुकावटें और ट्रैफिक की वजह से कुछ शिकायत आईं, अदरवाइज़ जहाँ तक तोड़ फोड़ थी वहाँ पर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो कर ली थी और ये साबित कर दिया था कि हम भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अब ये देखें ना कि एक इशू है ही नहीं, इशू है ही नहीं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का लबैक के साथ, क्या इशू हो सकता है? अच्छा मियाँ साहब, मियाँ निगरान सेटअप का क्या इशू हो सकता है? तो आपने एक अफवाह साज फैक्ट्री खोली हुई है और अब आप बार बार लग रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है, देखें जो लबैक का वोटर है वो कमिटेड वोटर है, चाहे वो 2 हैं 10 हैं 10 हज़ार हैं 1 लाख हैं, वो सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं उनके मरकज में बड़ी वो हो रही हैं आजकल ना, बड़े तब्दीलियाँ, लोगों को बुलाया जा रहा है, उनकी कारकर्दगी को नोट किया जा रहा है, और जिसकी कारकर्दगी बेहतर है उसको उस बुनियाद पे। अब इन्होंने लबैक, अब लबैक वालों का कमाल ये है कि इन्होंने बड़े बड़े जेएस साफियों के भी सॉफ्टवेयर आधे घंटे में अपडेट कर दिए थे, माफिया मांगने पर आ गए थे। उसमें एक आज़ाद सैयद साहब भी हैं, जब उन्होंने अपने उमर चीमा साहब के साथ वीला किया तो 5 मिनट भी उस पर पहरा ना दे सके, बल्कि जो तकरीर की थी इन्होंने बादशाह खान के हवाले से, बादशाह खान के हवाले से पिशावर में, और ये कहा था जी कि पंजाब की धरती ने तो पैदा ही शायद इंतशार कर फैलाने वाले पैदा किए हैं, और अलामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम का हवाला दिया था। तो लबैक वालों ने 5 मिनट में सोशल मीडिया पर इनकी तबीयत साफ कर दी थी। और सोशल मीडिया से याद आया कि लबैक वालों ने तो हुकूमत से ये मुआहदा भी किया था और हुकूमत ने इस बात की यकीन दहानी भी करवाई थी, पीडीएम की गवर्नमेंट थी। सर जी, फिर राइट हर एक होना चाहिए, लेकिन अभी भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो मुअत्तल हो रहे हैं, मुअत्तल हो रहे हैं। तो क्या ये इनको लॉलीपॉप जो है वो हर दफा लॉलीपॉप नहीं है, वो भी सियाने हो गए हैं, वो जो उनकी डिजिटल मीडिया टीम है ना वो बड़ी सियानी है।
उसमें भी पढ़े लिखे नौजवान हैं और उसमें भी रजाकाराना तौर पर नौजवान आए हैं, जिस तरह पीटीआई में चीज़ पीटीआई की भी माननी चाहिए, हमें लबैक की भी माननी चाहिए। बाकी पीपल्स पार्टी इंडक्ट कर रही है, पैसा लगा रही है, सो नून लीग भी पानी की तरह पैसा बहा रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन वो नतीजे हासिल नहीं हो रहे। ये कैपेसिटी अभी तक दो जमातों के, आप उन्हें फतवाई कह लें, आप उन्हें कह लें कि मियाँ साहब क्या देखते हैं मुस्तकबिल में, सात रिजर्वेशन वो कोई सीट जीत सकेंगे आइंदा आने वाले इलेक्शन? कोशिश तो उनकी है, पता नहीं, हो सकता है वो इलेक्शन लड़ भी लें, ना भी लड़े। माजी में मैंने एक तैयारियां तो उनकी बड़ी चल रही हैं वैसे उनकी, हाँ तंजीम साजी और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जब तक मंशूर सामने नहीं आएगा, चीज़ा सामने नहीं आएगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। आपको नहीं लगता कि जो गाह बगाह कोई ना कोई किसी भी किस्म का मार्च है, वो अब जैसे फ़लस्तीन वाला इशू आया, इससे पहले भी एक इशू आया और मिलादुन्नबी, उसके ऊपर भी ये मार्च करके अपनी स्ट्रेंथ जो है वो शो करवाते हैं, तो इससे इनकी जमात को इलेक्शन में कोई फ़ायदा हो सकता है? डेफिनेटली होना तो चाहिए, और इम्तिहान तो है बहुत बड़ा कि वो अपना मेंटेन रख पाते हैं या नहीं। तीसरी बड़ी जमात जो है पंजाब में वोटों के हिसाब से वो मेंटेन रख पाते हैं। बाकी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो जो उनकी तकरीरें हैं वो देखी जाएँ तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट को तो वो उस तरह नहीं कहते कि भाई, बल्कि ललकार रहे हैं, ललकारते हुए नज़र आते हैं। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें चक्कर नहीं है ना, रोला नहीं है ललकारते या चीज़ें, कुछ चीज़ें रियासती मामलों पर होती हैं। मसला यार सिंपल सा ये है कि हम बा इख्तियार कितने हैं और हमारे पास इख्तियार कितना है। बातें करना बहुत आसान होती हैं। ये मैं लाहौर प्रेस क्लब की बॉडी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ ना, गवर्निंग बॉडी का मेंबर बना हूँ, मैं भी बड़ा जहादी, आपको पता है नारे ये वो यूथ के और एम्पावरमेंट और इस तरह ये वो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि भाईजान यहाँ किसी को आप, जब पॉलिटिक्स एक मुख्तलिफ चीज़ है और जो रियासत के मामला चला रहे हैं वो भी एक मुख्तलिफ चीज़ है, क्या दुनिया यहाँ पर नज़रें नहीं जमाई बैठी हुई कि हमें दहशतगर्दी स्लीपर सेल्स, वो जो डस्के वाला वाक़िया हुआ, इसके अलावा केपीके में, बलूचिस्तान में, तो सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं, देखकर फिर रियासत को अपना स्टेप जो है वो लेना पड़ता है। तो लबैक को अब इश्तियाल इसी वजह से दिलाया जा रहा है कि जो इंटरनली हालात है ना वो थोड़े से ख़राब हों, लबैक का जो जज्बाती वोटर है या मौलाना खादिम रिजवी मरहूम का चाहने वाला है, जो वो डाउटफुल हैं, उस वक्त डाउटफुल थे, अब भी हैं, सवालात भी उठाते हैं, अपनी क़यादत से मजलिस से शुक्रा से भी करते हैं, लेकिन ये वो देखे ना कि मकसद पीछे क्या है। क्या ये चाहते ही हैं कि भाई जिस तरह पीटीए का हाल हुआ है, तितर बितर हो चुके हैं सारे, तो क्या दोबारा से टीएलपी के ऊपर पीटीआई वाले जो जितने भी रहनुमा, आप देखें ना कल फरूख हबीब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो वो तितर बितर ही हो गए ना एक तरह के, तो ये चाहते हैं कि ये टीएलपी का भी इसी तरह ही इस तरह के व्लॉग्स करके या इस तरह की गलत खबरें चला के? तो लेकिन वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़े सियाने हो गए हैं टीएलपी वाले, हाँ वो बड़े सियाने हैं, उनके सोशल मीडिया जो देख रहे हैं ना हैं बहुत सियाने, और सारी चीज़ों को वो समझते भी हैं, उन्हें ये भी पता है हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ फ्लॉ है। तो आप आखिरी सवाल है, क्या समझते हैं कि अलामा खादिम हुसैन रिजवी वाला जो नैरेटिव है वो प्रवेल करेगा? कौन सा? कि जो तख्त को दीन दीन को तख्त पे लाना, वो तो हर कोई चाहता है, वो तो मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं, अमली तौर पर आएगा? यार अमली तौर पर तो अब ये लोगों के वोटों पर डिपेंड करते हैं ना, बस ये फिर बात निकल जाएगी कि हाँ। मोहसिन बिलाल साहब हैं वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी। तहरीक लबैक पाकिस्तान को इस तरह इश्तियाल दिलवा कर कुछ लोगों के अपने मजमूम मकासद हैं वो हो सकते हैं जिसको मुकम्मल करना चाहते हों, लेकिन तहरीक लबैक की जो क़्यादत है वो इस बात पर मुतफिक है कि जो भी कार्रवाई होगी वो शूरा के फैसले के बाद होगी, अगर किसी इस मामले को अगर उठाना हो तो, जो अलामा खादिम हुसैन रिजवी का मामला है उसको उठाना हो तो वो खुद उठाएंगे, लेकिन अभी तहरीक लबैक की जो क्यादत है वो इलेक्शन के ऊपर नजरें जो है वो गाड़ेंगे।